और आइए आगे बढ़ेंगे, आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम देंगे। देखिए, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और बड़ी खबर ये मिल रही है, फेक वीडियो पर अमित शाह ने कांग्रेस पर अटैक किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और देखिए अमित शाह ने क्या कहा वो आपको बताएं। दरअसल कांग्रेस झूठ के जरिए गुमराह करने में जुटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह का ये निशाना सीधे कांग्रेस पर, और साथ ही साथ फेक वीडियो को लेकर अमित शाह ने कहा कि ये जो है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और फर्जी जन समर्थन के लिए फेक वीडियो बनाया गया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा यह बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र अमित शाह ने किया। उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। देखिए, फेक वीडियो को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, सीधे तौर पर अटैक किया, कहा यह बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहाँ कहकर देखिए, मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नीरज, जिस तरीके से अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं या तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं और चुनाव के बीच इस तरीके के मुद्दे, कितना असर जमीनी स्तर पर इसका हो रहा है? देखिए, फेक वीडियो का जो मुद्दा है लगातार उभरता जा रहा है और इसी को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा कि अब आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, इसी वजह से आप फेक वीडियो का आपको सहारा लेना पड़ रहा है, आपको क्रिमिनल ऑफेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप में इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस नैरेटिव को जो विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है उसको लगातार उसका जवाब दे रहे हैं, और जवाब ना सिर्फ इस तरह से दे रहे हैं अपनी भाषा से, बल्कि वो जो ओरिजिनल वीडियो है उसके बाद जो फेक वीडियो है दोनों को सामने प्रसारित भी किया गया और उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि किस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है जिसके जरिए उन्हें केवल फेक वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, लेकिन ये जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर, बेशक वो आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान को लेकर जो भी बातें उन्होंने कही या अब ये डीप फेक वीडियो के जरिए, अब जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, अटैकिंग मोड में है, क्या लग रहा है कि क्या इसका असर जो है वो लोगों तक नहीं हो रहा जो नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, आरक्षण के दायरे में एक बहुत बड़ा वर्ग आता है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अगर उनके नज़र में या उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आ गई तो फिर से ऐसी चीज़ें हो गई तो ये निश्चित रूप में बीजेपी का नुकसान होगा। तो बीजेपी जानती है कि जो विपक्ष लगातार इस तरह की बातें कह रहा है उसकी काट खोजनी पड़ेगी, और यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आज तक किसी भी नेता ने आरक्षण को लेकर कोई बयान नहीं दिया, आरक्षण को लेकर जितनी भी बातें सामने आई, चाहे वो फेक वीडियो जो सामने आया वो कर्नाटक में 2023 के अप्रैल महीने में एक रैली के दौरान बोला गया वीडियो है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह साफ कह रहे हैं कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया है धर्म आधारित। रोक रही हूं आपको, आपके पास वापस आ रही हूं, एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, उससे सबसे पहले रूबरू करा दे। देखिए, राहुल और प्रियंका को लेकर भी निशाना साधा है
अमित शाह ने उनके अमेठी और रायबरेली चुनाव नहीं लड़ने की खबरों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं अब कि राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब इसी को लेकर अमित शाह ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। सीट थी राहुल गांधी की अमेठी जहां से वो चुनाव लड़ते थे और उनकी माँ जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीटों में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। एक बार फिर स्वागत आप सभी का, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, तो नॉमिनेशन कर दिया है बांसुरी स्वराज ने, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नई दिल्ली से रोड शो के बाद बांसुरी ने नामांकन किया, सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना, उसके बाद रोड शो, और उसके बाद देखिए बांसुरी स्वराज ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। देखिए दिल्ली में छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है, और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने होंगे आम आदमी पार्टी के सोमनाथ, सीधी टक्कर सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज के बीच देखने को मिलेगी। देखिए इस बार बीजेपी की तरफ से कई नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है और उन्हीं नए चेहरों में से एक चेहरा है बांसुरी स्वराज। हालांकि बांसुरी भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और देखिए अपना नामांकन पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। अंकित, दिल्ली में कई नए चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला है, जिनमें से एक चेहरा है बांसुरी स्वराज। हालांकि सब उनका बैकग्राउंड जानते हैं, दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी है, नामांकन पर्चा दाखिल हो चुका है, कितनी कार्यकर्ताओं में उत्साहित और कितना ज्यादा जोश उनमें देखा जा रहा है अंकित? देखिए पूजा, अगर बात करते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश की, तो वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये जामनगर हाउस है जहाँ पर बांसुरी स्वराज ने नामांकन किया है, और यहाँ पर फिर एक बार 400 पार का नारा लग रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग रहा है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों को 7 की 7 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन उसमें से 6 जो है जो जिसमें से मंत्री भी थे उनको बदल दिया है, उम्मीदवारों को, नए उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, और जीते हुए उम्मीदवारों को जो पिछली बार जीते थे उनको बदल दिया गया है मनोज तिवारी के अलावा। और ऐसे में बांसुरी स्वराज के लिए मुकाबला वैसे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के माने तो बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिए चुनाव में कुछ भी हो सकता है। 400 पार का नारा जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन ये वो लोकसभा सीट है, हेमंत आप तस्वीरें दिखाते रहिए, ये वो लोकसभा सीट है जहां से कभी अटल जी चुनाव जीते थे, आडवाणी जी चुनाव जीते थे 2004 और 2009 में, कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन चुनाव जीते थे, लेकिन 14 और 19 की बात की जाए तो यहां पर से मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री बनी थी वो चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार वो जो मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज के ऊपर दांव लगाया गया है, और मुकाबला दिलचस्प है। एक और जो महत्वपूर्ण पहलू, ये वो लोकसभा सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव जीत करके आते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की भी सीट इसी जो लोकसभा सीट के तहत आती है। मानते हैं मुकाबला खड़ा है, कहीं नहीं है कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं है चक्कर पे, अरविंद केजरीवाल यही विधानसभा जीत करके आते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात, तभी जेल में बैठे हुए हैं, जो कारनामे इन लोगों ने किए हैं उसका असर आपको दिखेगा। कहा जा रहा है अगर ये सब इतना अच्छा था तो आपने जो 6 उम्मीदवार बदल क्यों दिए? ये भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लड़ता है, हम सब कमल के फूल हैं, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या जो पिछली बार 7 की 7 सीटें जीती थी, इस बार भी लग रहा है कि 7 जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगे, 100% है, 100% है भैया, 100% है। देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता तो यही कह रहे हैं कि हमारी जो कैंडिडेट है बांसुरी स्वराज वो कहती है कि मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ, कार्यकर्ता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन देखिए दावा जो है 3 तलाक से पीड़ित उन महिलाओं की दुआएं हैं मोदी जी के साथ में, ठीक है, देखिए यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थी, अच्छी बात है। देखिए ये वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके अपने दावे तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन जीत का दावा कि इस बार फिर से 7 की 7 सीटें जीतेंगे, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है लोकसभा की ये सीट जहां से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को बनाया उम्मीदवार, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती जी।
धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आइए आगे बढ़ें, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कुपवाड़ा में मौसम ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। जोरदार बारिश के बाद इलाके में बाढ़ के हालात, सड़कें समंदर में तब्दील, हर तरफ पानी ही पानी, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों में रखा सामान तक खराब हो गया, गाड़ियों के चक्के थम गए क्योंकि सड़क पर पानी कई फीट नजर आया, और श्रीनगर में भी पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं वहां पर लोगों की। एक तरफ देखिए पूरे देश भर में कुछ राज्य ऐसे जो भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशान कर देने वाली है। भयंकर बारिश जिसकी वजह से लोग परेशान है, वाहन किस तरीके से पानी के बीच फंसे हुए हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हालत ऐसी हो चुकी है कि घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो सारा सामान जो है खराब हो रहा है क्योंकि पानी घरों के अंदर तक चला गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक श्रीनगर की तस्वीर, एक कुपवाड़ा की तस्वीर। श्रीनगर में देखिए पहाड़ अचानक से खिसका, और यहां पर भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत उनको सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरों के माध्यम से आप ये देखिए कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसिफ कुरैशी आपको जमीनी स्तर पर हालातों के बारे में जानकारी देंगे, मेरे साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट हैं। आसिफ, तस्वीरें हम देख रहे हैं और बाकी तस्वीरें परेशान कर देने वाली हैं, कहीं पर पहाड़ खिसक रहा है तो कहीं पर बारिश ने बदहाल किया हुआ है, क्या वहां पर आप स्थिति देख पा रहे हैं? पूजा देखिए, लगातार पिछले 72 घंटों में हुई भारी बारिशों और बर्फबारी के चलते पूरी कश्मीर घाटी में जिंदगी पर इसका असर पड़ा है। इसी को देखते हुए आज पूरी कश्मीर घाटी में सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सभी जो मुख्य सड़कें हैं जिनमें श्रीनगर जम्मू हाईवे है, श्रीनगर लद्दाख हाईवे है, गुरेज करना को जोड़ने वाली सड़कें हैं, वो सभी यातायात के लिए बंद कर दी गई है। और कश्मीर घाटी की बात करें तो पिछले 4 घंटों से बारिश रुकी हुई है, इससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। मैं इस समय जहलम नदी के किनारे हूं जिसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। श्रीनगर में जहलम का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया है, यानी 18 फीट जो जहलम का जल स्तर होता है उसको क्रॉस करके लगभग 19 फीट हो गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अच्छी खबर ये आ रही है कि अगले 4 घंटों तक फिलहाल बारिश नहीं होगी, इसीलिए इसके बाढ़ में बदलने की संभावना कम है। लेकिन भारी बारिशों के चलते दर्जनों घर टूट गए हैं। रियासी में एक 10 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। उरी में एक घर में दबने से 10 लोग दब गए थे जिनको रात में चलाए गए ऑपरेशन में बचा लिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने जो आने वाले दिनों में बारिशों का अनुमान किया है उससे ये खतरा बढ़ गया है कि अगले 24 घंटे के बीच कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हो सकती है। हम इस समय केंद्रीय जल आयोग के उस गेज पे है जिस पर सैटेलाइट से जहलम नदी पर नजर रखी जाती है, और यहाँ पे एक कर्मचारी उनके हमारे साथ हैं, तो इनसे जानने की कोशिश। पहले आप बोलिए आपका नाम क्या है और कितना जल स्तर इस समय यहाँ पे? मेरा नाम इश्ताक अहमद है। जो कल पानी की रफ्तार थी या पानी की मतलब बढ़ रहा था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन कल से जो बारिश है वो थम गई है 11:30 बजे के करीब। इस वक्त जो पानी की सतह है वो एक ही जगह पे है, लेकिन मेरे ख्याल से 1 घंटे में पानी उतरना शुरू हो जाएगा। अगर बारिश फिर हुई तो फिर अगर बारिश फिर हो जाएगी तो खतरा फिर बढ़ सकता है। आसिफ बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं दिक्कत है, परेशानी है। आपका धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो देखिए जम्मू कश्मीर में कैसा था मौसम, फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों के लिए बढ़ती नजर आ रही है। देखिए चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में है, संबोधित कर रहे हैं, आइए सुने। लगता है कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहने बताए, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था, और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं।
आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालखी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। ABP News आपको रखे आगे।